क्या मतलब है इसमें आदम का, इससे पहले कि हम लोग वो पढ़ें उस इन रिवायतों को। इसमें आदम, इसमें आदम का मतलब है अक्दस, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो का के जो इसमें आदम है यानी अक्दस है, अक्दस यानी पाकीज़ा, हर तरह के ऐब और नक्स और कमी से पाक है, साफ सुथरे हैं, अक्दस और अशरफ हैं, अक्दस भी हैं और तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सारे ही अस्मा ये जलालो कमाल और हर तरह के खूबियों से, आला दर्जे की खूबियों से मुत्तसिफ हैं। रब करीम के जितने भी नाम हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, रब करीम ने ख़ुद ही उनकी सिफत बयान की है कि जितने भी नाम हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो सारे के सारे नाम ही हुस्ना के वस से मुत्तसिफ हैं, यानी बेहतरीन खूबियों वाले हैं, आला दर्जे की जो खूबियाँ पाई जा सकती हैं वो सारे सारे की सारी खूबियाँ आला दर्जे की उन नामों के अंदर, उन सिफात के अंदर मौजूद हैं। और इन तमाम नामों में कुछ नाम, कुछ नामों की अहमियत मज़ीद है और बढ़ करके है, उन्हीं में से इसमें आदम भी है। इसमें आदम यानी पाकीज़गी के एतबार से वो मानी और मफाहिम जो पाकीज़गी के वस्फ पर दलालत करने वाले हों, अतम दर्जे के पाए जा रहे हैं और रब करीम की आज़मतों की बिरियाई पर दलालत करने वाले जो मानी पाई जानी चाहिए वो इन अस्माए इन इसमें आज़म के अंदर बदर्जे तमाम व कमाल मौजूद हैं और शरफ दर्जे और मर्तबे के एतबार से, मकाम और दर्जे और मर्तबे के एतबार से भी इनकी अहमियत दीगर और अस्माए हुस्ना पर काफ़ी अजीम है। यह है इसमें आज़म।